दोस्तों अभी मिली खबर के अनुसार स्वेज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा विशालकाय मालवाहक जहाज एवर गिवेन निकल गया है और अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:30 पर मालवाहक जहाज को निकाल लिया गया। आपको बता दें कि कंटेनर शिप एवर गिवेन के निकलने से दुनिया को राहत की सांस मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वेज नहर में फंसे इस विशालकाय जहाज को हटाने के काम में 2 विशेष नौकाएं लगाई गई थी। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला पनामा के ध्वज वाला एवर गिवेन नामक विशाल जहाज मंगलवार को इस नहर में फंस गया था। तब से अधिकारी जहाज को निकालने और जल मार्ग को जाम से मुक्त करने की कोशिश में जुटे हुए थे। कड़ी मेहनत के बाद अब उन्हें सफलता मिल गई है। आपको बता दें कि एवर गिवेन जहाज को 25 भारतीय चला रहे हैं। सभी भारतीय चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं। 193.3 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 30% शिपिंग कंटेनर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। इस नहर से रोजाना $9 अरब का कारोबार होता रहा है। जहाज के फंसने से वैश्विक परिवहन और व्यापार पर बुरा असर पड़ा है, जो पहले से ही कोरोना महामारी से प्रभावित है। बर्नहार्ड शिप मैनेजमेंट ने कहा कि प्रारंभिक जांच में किसी यांत्रिक गड़बड़ी या इंजन का विफल होना जहाज की फंसने की वजह के रूप में सामने नहीं आया है। विश्व के व्यस्तम समुद्री रास्तों में से एक मिस्र के स्वेज नहर में विशाल कंटेनर शिप एवर गिवेन के फंसने से दुनिया भर के 300 से ज्यादा मालवाहक जहाज और तेल कंटेनर फंस गए थे। समुद्र में लगे भीषण ट्रैफिक जाम का असर दुनिया में साफ दिखने लगा था। टॉयलेट पेपर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सुजानो SA ने चेतावनी दी थी कि जहाज के फंसने से वैश्विक स्तर पर टॉयलेट पेपर का संकट पैदा हो सकता है। सुजानो SA ने कहा कि टॉयलेट पेपर को ले जाने वाले जहाजों और शिपिंग कंटेनर की भारी कमी हो गई है। स्वेज नहर में लगे इस जाम से बचने के लिए कई देशों के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जा और आ रहे थे। इससे सामानों के आने में 1 सप्ताह का समय बढ़ गया है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।